आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में युवा कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2022 को आरएसडी एकेडमी मुरादाबाद में मंडल स्तरीय युवा उत्सव एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आने वाले पांचों जनपदों की टीमों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ परियोजना निर्देशक डीआरडीए सतीश चंद्र मिश्रा एवं आरएसडी के निर्देशक डॉक्टर विनोद कुमार जी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से लोक नृत्य, लोक गीत एवं एकांकी नाटक के साथ साथ तबला वादन, गिटार वादन, बांसुरी वादन एवं स्टेम कोर की प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिव कुमार क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी संभल एवं समस्त क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों का सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन महिपाल सिंह, जिला युवा कल्याण अधिकारी अमरोहा के कर कमलों से किया गया। निर्णायक मंडल में एसपी सिंह श्रेष्ठी एवं सुदेश के द्वारा निर्णायक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। कार्यक्रम के संयोजक नरेश कुमार चौहान जिला युवा कल्याण अधिकारी मुरादाबाद रहे। उन्होंने सभी अतिथियों एवं कलाकारों का आभार व्यक्त किया। पुरस्कार वितरण डॉक्टर विनोद कुमार निर्देशक आरएसडी एवं सभी जिला युवा कल्याण अधिकारी के द्वारा किया गया। सभी को प्रमाण पत्र दिए गए। अब जोर स्तर की प्रतियोगिता 25 अगस्त को आईएमए हॉल बरेली में आयोजित होनी है, जिसमें जो विजय कलाकार है वे सब प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिता के परिणाम निम्न प्रकार रहे। लोकगीत में जनपद बिजनौर की टीम प्रथम स्थान पर रही। लोक नृत्य में जनपद रामपुर की टीम प्रथम स्थान पर रही। एकांकी नाटक में जनपद अमरोहा की टीम प्रथम स्थान पर रही। शास्त्रीय संगीत में कुमारी सृष्टि, गिटार वादन में अदीबा, तबला वादन में एक रोल दयाल, एकल गीत में जिया और एक्स टम कोर में रचित भाटिया जनपद बिजनौर से प्रथम स्थान पर रहे। ये सभी कलाकार 25 अगस्त को बरेली जोन स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। और मैं क्षेत्र युवा कल्याण अधिकारी जनपद मुरादाबाद में चल रहा हूँ। सर दोनों आपका संपर्क होगा। ये हमारा जो है मंडल स्तरीय सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है, जो है जिसमें पूरे मंडल की टीमें यहाँ पर आई हुई हैं और इसमें हमारे लोक गीत, लोक नृत्य, एकांकी और म्यूजिक, बांसुरी वादन वगैरह अन्य कार्यक्रम यहाँ पर होने हैं। और इसमें हमारे जो है उसके उद्घाटन में मुख्य अतिथि कुमारी सिंह जी साहब यहाँ उपस्थित हुए। ये प्रोग्राम पर कब से कब चल रहे हैं? ये प्रोग्राम हमारा सुबह 11 बजे से प्रारंभ हुआ था और लगभग शाम 4 या 5 बजे तक इसे समाप्त हुआ। इसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री पुलिस आए थे और आर एस डी अकेडमी के प्रबंधक और सभी जनपदों से हमारे जिला युवा कल्याण अधिकारी, क्षेत्र युवा कल्याण अधिकारी और अन्य स्कूलों से जो है टीचर वगैरह वगैरह सफल हुए। ये जो हमारे खिलाड़ी विजयी होंगे, जो फर्स्ट आएंगे, उनको पुरस्कार के वितरण किया जाएगा, जिसमें विजयी होंगे उन्हीं को जो है पुरस्कार वितरण किया जाएगा। हाँ सर, ये युवा कल्याण विभाग द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। कब? लगभग शाम को 4 या 5 बजे।